दोस्तों, हाइमा हातून एक ऐसा कैरेक्टर है इर्तुरुल गाजी में जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है और जिसे बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी मिल चुकी है और जो कि इर्तुरुल गाजी की माँ थी। तो आज हम एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इर्तुरुल गाजी की माँ थी, जिनका नाम हाइमा हातून था। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको हमारी इन वीडियोज की इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हाइमा हातून का कैरेक्टर जो कि इर्तुरुल गाजी में है, उनका ओरिजिनली में जो कैरेक्टर प्ले किया है उन्होंने, उनका नाम हुलिया तरजान था। फ्रेंड्स, हाइमा हातून एक ऐसा कैरेक्टर था इर्तुरुल गाजी में जिन्होंने अपने काई कबीले में सभी जो लेडीज थी और औरतें थी उन्हें सिपाही बना दिया था। मतलब उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी थी कि वो बड़े से बड़े जो कि विलन थे उनसे लड़ लेती थी। मतलब जो कि लेडीज थी काई कबीले की वो ही विलन से लड़ लेती थी। तो फ्रेंड्स, इर्तुरुल गाजी में तो ये बताया गया है कि जो सुलेमान शाह थे उनकी हाइमा हातून सेकेंड नंबर की बीवी थी, मतलब उनकी वाइफ सेकेंड नंबर की थी। फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर की जो वाइफ थी सुलेमान शाह की, उनका इंतकाल हो चुका था, इसलिए वो उन्होंने दूसरी शादी करी थी और उनकी दूसरी वाइफ का नाम हाइमा हातून था। फ्रेंड्स, ऐसा बोला जाता है कि गुंदोगदू जो कि इर्तुरुल के बड़े भाई थे वो हाइमा हातून के बेटे यानी कि सगे बेटे नहीं थे, क्योंकि जो सुलेमान शाह की जो पहली वाइफ थी उनकी जो डेथ हुई थी वो उनके बेटे थे। मतलब गुंदोगदू पहली वाइफ के बेटे थे, लेकिन फ्रेंड्स हाइमा हातून इतनी अच्छी थी कि गुंदोगदू को भी उन्होंने अपने बेटे से कम नहीं माना और वो उन्हें उतना ही प्यार देती थी जितना इर्तुरुल गाजी और दुमदार जो कि उनके छोटे भाई जो कि उनके छोटे बेटे थे उन्हें देती थी। फ्रेंड्स, ये यहाँ तक कि इर्तुरुल गाजी के जो तीन दोस्त थे बमसी और तुरगुत और एक और जो दोस्त थे उनको भी हाइमा हातून इतना प्यार करती थी कि उन्हें भी अपने बेटा समझकर उन्हें प्यार करती थी। और जो उनके तीन दोस्त थे वो भी इर्तुरुल गाजी से ज्यादा उनकी माँ से मोहब्बत करते थे, मतलब उन पर भरोसा करते थे। फ्रेंड्स, हाइमा हातून एक ऐसे कैरेक्टर था इर्तुरुल गाजी में जिसने अपने पूरे जो कि कबीला है उसे बहुत बार जो कि दुश्मन है उनसे बचाया है। क्योंकि फ्रेंड्स, हाइमा हातून कभी कभी ऐसा होता था कि इर्तुरुल गाजी और उनके जो तीनों दोस्त थे वो कहीं बाहर कबीले के काम से या फिर किसी जंग में जाते थे, तो जब उस टाइम पर जो हाइमा हातून थी उन्हें पूरे कबीले को संभालना पड़ता था, क्योंकि वहां पर कुछ गद्दार भी थे कबीले में जो कि उस कबीले को तोड़ना चाहते थे और सरदारी लेना चाहते थे। फ्रेंड्स, लेकिन हाइमा हातून ने ऐसा किसी कभी भी नहीं होने दिया। यहां तक सुलेमान शाह की जब डेथ हुई, जब भी हाइमा हातून ने सरदारी संभाली और थोड़े दिन बाद उन्होंने इर्तुरुल गाजी को सरदारी सौंप दी, मतलब इर्तुरुल गाजी को कबीले का नया सरदार बना दिया। यहां तक कि हाइमा हातून ने जो एक बार मंगोलों ने इर्तुरुल गाजी को पकड़ लिया था और उन्हें बंदी बना लिया था और हाइमा हातून के पास ये खबर पहुंचाई थी कि इर्तुरुल गाजी इस दुनिया में नहीं रहे। फ्रेंड्स, इस टाइम पर हाइमा हातून को बहुत ज्यादा दुख हुआ था, लेकिन फ्रेंड्स हाइमा हातून ने दुख की हालत में भी पूरे कबीले को बचाया और मतलब उसकी पूरी जिम्मेदारी कबीले की उन्होंने अपने ऊपर ले ली और वो उन्होंने कबीले को संभाला। फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा असली में नहीं हुआ था। इर्तुरुल गाजी को मंगोलों ने नहीं मारा था और वो जिंदा थे, लेकिन मंगोलों ने झूठी खबर उनके हाइमा खातून के पास पहुंचाई थी ताकि उनकी हिम्मत टूट जाए। फ्रेंड्स, हाइमा खातून ने यहाँ तक के जब इर्तुरुल गाजी नहीं रहते थे तो उन्होंने पूरी सरदारी भी संभाली और फ्रेंड्स हाइमा खातून कालीन भी बनवाती थी जो कि कबीले की लेडीज थी। कुछ लेडीज ऐसी थी जो कि कालीन को डिजाइन करती थी, मतलब कालीन बनाती थी। तो फ्रेंड्स हाइमा हातून ने कालीन को भी बनवाए, बहुत अच्छे अच्छे कालीन बनवाती थी और हलब के बाजारों में और कई जगह पर ताजिर पर बेचती थी, मतलब बिजनेस भी करती थी वो कालीन का। फ्रेंड्स, यहाँ तक कि हाइमा हातून ने बहुत सारी लेडीज को सिपाही भी बना दिया था। फ्रेंड्स, इर्तुरुल गाजी के साथ साथ दुमदार और जो उनके गुंदोगदू भाई थे और एक उनका खुफिया भाई था, उन सभी का वो हाइमा हातून बहुत अच्छे से देखभाल करती थी और उन्हें अपने बेटे से कम नहीं मानती थी। गुंदोगदू को भी अपने बेटे से कम नहीं मानती थी और इर्तुरुल गाजी के तीन भाइयों को भी अपने बेटों से कम नहीं मानती थी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी नई वीडियोज की इन्फॉर्मेशन सबसे
पहले मिले और आप एंटरटेन होते रहे। अगर आपको ये जानना है कि इर्तुरुल गाजी का सीजन वन और सीजन टू, सीजन वन तो आपने देख लिया होगा, सीजन टू और सीजन थ्री अगर आपको देखना है तो आप हमारी आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि इर्तुरुल गाजी का सीजन टू कैसे देखे, और सीजन थ्री या सीजन फोर भी अगर आपको देखना है तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इर्तुरुल गाजी का सीजन टू कैसे देखे। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।